हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। दोस्तों, हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे क्लास टेंथ के लिए, और हम आपको ट्रिगोनोमेट्री में केसी सिन्हा के बुक से अभी पढ़ा रहे हैं फिलहाल के एनसीईआरटी। हम आपको बोले हैं कि केसी सिन्हा, एनसीईआरटी तथा भारतीय भवन, तीनों बुक से हम आपको कम्प्लीट मैथ क्लास टेंथ का ख़त्म करेंगे, ऑल टू ऑल चैप्टर मैथ का। तो हम अभी केसी सिन्हा से पढ़ा रहे हैं, तो केसी सिन्हा का आज हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है। 8वां लेक्चर में 3 लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट का है, और 5 जो लेक्चर होगा वो आपका क्वेश्चन होगा, जो केसी सिन्हा के बुक से सोल्व हम करा रहे हैं। तो हम आपको जो 7th क्लास तक जो कराए हैं, उसमें हम आपको 18 के 1 तक के प्रश्न को क्लियर करा दिए हैं। 18 में 2 प्रश्न हैं, तो आज दूसरा प्रश्न 18 का देखेंगे, और उससे आगे फिर देखेंगे। काफ़ी वीडियो हम आपको पेज पे बता रहे थे, पेज पे बताने के कारण है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में पॉसिबल नहीं होता इतना बताने का, काफ़ी ठंड है, इसीलिए सोचते हैं कि आपको भी काम उससे चल जाएगा, और दिक्कत होगा कभी कभी, तो हम इस पर भी बताएंगे। जिस जोन सब में ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट में रहेगा, उसमें ज़्यादा समझाने की बात रहेगी, तो हम बोर्ड पे आपको लेकर आएंगे, हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। पेज कॉपी पे भी हम आपको बता रहे थे, हम इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज होता ही नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं। तो चलिए हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं, और देखते हैं आपका 18 का दूसरा प्रश्न क्या है। 18 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तब साइन ए और सेक ए का मान बोल रहा है, बोल रहे हैं ना। दूसरा प्रश्न 18 का कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तब साइन ए बराबर क्या होगा, और पूछ रहा है साइन ए बराबर क्या होगा और सेक ए बराबर क्या होगा। 15 कॉट ए बराबर 8, तब आपसे पूछ रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू व्हाट और सेक ए इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो इतने अच्छे तरीका से हम आपको बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, 15 कॉट ए, तो इसको कॉट ए बराबर इधर गुना में है 15, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, 8/15 लिख सकते हैं। अब कॉट ए बराबर 8/15 हो गया ना, कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज से आपको हम ये प्रश्न बताते हैं। कोण बी बराबर आप 90 डिग्री मान लीजिए, अब ए यहाँ मान लीजिए, सी यहाँ, आप यहाँ भी ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे हम आपको बताए हैं, इसको वैसे वैसे वहां पे पुट कीजिए, तो आपको पता हो रहा है कि बी के सामने ये बी 90 डिग्री यहां पर रहता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इतना तो पता है ना। अब देखिए, कॉट ए यानी कि कॉट थीटा एक जगह, इस एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लम होता है ना। कॉट ए बराबर क्या हो गया, आधार बटा लम। आप इस सारे मान को यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपको पता है कि आधार कौन है और लम कौन है इसमें, लेकिन आपको यहाँ पे कॉट ए यानी एंगल ए से देखना है कि ए के लिए आधार कौन है और लम कौन है। तो देखिए, हम बोले हैं कि जिस एंगल से चलिए था, हमें तो एंगल ए से चलना है, तो जौन एंगल से लेंगे उसके सामने की भुजा लम हो जाएगी, तो ये आपका लम हो जाएगा, इसके सतह से जुड़ा हुआ है तो ये तो आधार है, आधार हो गया। अब बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है, ये आपका कर्ण है, ये क्या है आपका कर्ण, तो इसमें आधार आपका दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 8, लंब आपका दिया हुआ है 15, आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है आपका 15, लेकिन आपसे साइन ए और सेक ए का पूछ रहा है मान, तो साइन ए निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा यानी साइन ए बराबर आपका फॉर्मूला हम बताए हैं, तो लंब बटा कर्ण होता है। सेक ए कॉस ए की पत्नी थी, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार होता है ना,
तो आपको यहाँ से तो लग रहा है कि लंब भी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे कर्ण नहीं दिया हुआ। इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ तो आपको यहाँ से कर्ण फाइंड करना पड़ेगा, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं, तो देखिए कर्ण कैसे निकालता है। तो हम कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं, कॉन्सेप्ट की क्लास में याद होगा। चाहे तो आप लंब का स्क्वायर कर दीजिए, चाहे आप आधार का स्क्वायर कीजिए। तो देखिए आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, इसमें आपका आधार कितना है, तो आधार आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब आपका 15, तो 15 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना कैसे किए? तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो उसी पे हम बैठा दिए। अब देखिए 8 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 64 होगा, प्लस 15 को 2 बार कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, सॉरी 64 प्लस 225, ये तो आपका हो गया 8 का स्क्वायर 64, और 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 225। अब रूट में है 64 प्लस 225, अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 इधर आ गया तो 2, 225 में 64 जोड़िएगा तो 289। अगर 289 का वर्गमूल आप देखिएगा तो 17 होता है, और 17 का वर्ग 289 होता है, यानी कि आप इसको रूट में है ना, तो आप इसको 17 गुना 17 लिख सकते हैं, 17 289 होता है। तो हम आपको बोला कि रूट में अगर एक ही जात का दो चीज रहता तो एक को बाहर निकाल दीजिए, एक 17 को बाहर निकाल दिया तो कर्ण बराबर आपका आ गया 17। इतना बात आपको क्लियर हो गई। पहले से आधार दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, अब कर्ण भी निकाल लिया, कर्ण आपका आ गया 17। आपका इसमें कुछ भारी है नहीं, लंब साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका यहाँ है 15, कर्ण अभी निकाल कर लाए हैं 17। सेक आपका होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण अभी निकाल कर लाए हुआ या 17। आधार आपका है 8, ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, अब जब भी इस टाइप के प्रश्न बनाइए या कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाइए बनाइएगा, तो यहीं पे आपको देख लेना है, अगर आधार और लंब कर्ण से बड़ा हो जाता है तो आपका प्रश्न बनाया हुआ गलत है। जिंदगी में कर्ण से लंब और आधार बड़ा नहीं हो सकता है, जब होगा तो छोटा होगा, चाहे एक छोटा हो, 0. कुछ छोटा, लेकिन छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो सबसे बड़ा अंग कर्ण का ही तो होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण ही तो बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा अब हम आपको कितना 18 तक प्रश्न बताए, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी होता है तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। लंब आधार में कोई कंडीशन नहीं, कभी लंब बड़ा हो जाएगा कभी आधार, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कर्ण हमेशा ये दोनों भुजाएं से बड़ा होगी, किससे, आधार और लंब से हमेशा बड़ा कर्ण होगी। 18 का दूसरा प्रश्न आपको होता है इस तरह से क्लियर। अब हम अब आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इसमें 19 नंबर प्रश्न है, हम 19 नंबर प्रश्न को अभी छोड़ रहे हैं। आप गलत मत समझिएगा, ये नहीं समझिएगा कि आपको नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्रश्न में कुछ कंडीशन है, और ये कंडीशन हम आपको जब टाइप अगले बढ़ेंगे टाइप, उसमें हम आपको टेबल कुछ याद कराएंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला टेबल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। कब? जब आपको टेबल का मान सारणी याद हो जाएगा तब। तो आप याद रखिएगा, हम 19 नंबर को होल्ड पे छोड़ देते हैं। अब जब हम उसको टेबल वाले फॉर्मूला सब बता देंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हम उसको बता देंगे, नहीं तो किसी वीडियो में हम उसको बता देंगे, हमें याद रहेगा तो इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर हम अभी बताते हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा बोरिंग लगेगा, अगर वो जानते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन 45 डिग्री का मान या कोस 45 या 60 को, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 60 क्या है, 45 का मान क्या है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको अभी होल्ड पे छोड़ देते हैं। तो चलिए हम तो अब 20 नंबर आना नहीं, 20 नंबर में प्रश्न बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तब कॉस थीटा और वन बटा टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तब बोल रहा है ना कि कॉस थीटा वन बटा टेन थीटा ये दोनों का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्म। बस आप बताइए, बताते जाइए, फॉर्मूला आपको क्लियर होते जाएगा कैसे बनाना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म, लेकिन कॉस थीटा निकालने के लिए आपको आधार की आवश्यकता होगी, टेन थीटा भी निकालने के लिए आपको आधार की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से आपको आधार हमें निकालना होगा। तो देखिए आधार बराबर इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, वन बटे टेन थीटा यहाँ लिख देते हैं, वन बटे टेन थीटा बराबर। तो आप यहाँ से आधार बराबर क्या हम आपको फॉर्मूला बताएं, चलिए बोलिए आप लोग बोलते जाइए। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार निकालना है, लंब दिया हुआ था लंब का स्क्वायर, अब क्या कीजिएगा, तो कर्ण का स्क्वायर, तक कर्ण आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कर्ण आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको प्लस कर देते हैं। अब लंब का स्क्वायर था, लंब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब बचपन में आप फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं पढ़े तो लीजिए हम बता देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला जीवन में आप कभी देखे हैं, ऐसा फार्मूला आप देखे हैं ना जीवन में कभी, तो इसी को यहाँ पे प्रयोग कर लीजिए, आपका काम खत्म। तो ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर को ए मान लीजिए या वाई स्क्वायर को बी मान लीजिए, तो पहले हम ए प्लस बी को हल स्क्वायर इसको तोड़ते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ टर्म बड़ा है, मेथड आपका आसान है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे सदस्य मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको समझ में नहीं आया, हो नहीं सकता। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 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 आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, इसको ए मान लेंगे और इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ये है, तो एक्स का स्क्वायर पहले से है इस पे एक बार और, तो एक्स के पावर फोर हो जाएगा, होगा ना एक्स के पावर फोर, चलिए ठीक है। फिर से प्लस, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, वो स्क्वायर तो पहले से है लेकिन इसके पावर फिर से दो लाना है, तो वाई के पावर फोर प्लस टू एक्स वाई होता है टू ए बी, तो ए बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए। अब इसको ए माइनस बी के पे तोड़ दीजिए, ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, तो देखिए इसको पहले इस तरह से पैराग्राफ में कर लीजिए, यहाँ से माइनस है तो ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको आप बी मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब एक बार देख लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर तो फिर एक्स के पावर फोर प्लस बी स्क्वायर वाई के पावर फोर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब काम हुआ इसका खत्म, अब इसका वर्क इंड होने वाला है। देखिए अब हम सिर्फ लिखेंगे, तो क्या है एक्स के पावर फोर प्लस वाई का पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो था उसको हम उतार दिए। अब ये माइनस इधर है प्लस, तो माइनस हो जाएगा,
कुछ नहीं है, इस पे प्लस तो छिपा हुआ है ना, तो माइनस एक्स के पावर फोर, ये माइनस इधर ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस वाई के पावर फोर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो टू एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में, कटेगा एक तो कट गया, कट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा ना, वाई के पावर फोर यहाँ प्लस में है, वाई के पावर फोर यहाँ माइनस में। अब तो खत्म हो गया, अब बच रहा है सिर्फ, अब सिर्फ बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना, अब यहाँ से बच रहा है टू एक्स के पावर वाई, टू एक्स के पावर, सॉरी इसको अच्छे से इरेज इरेज करते हैं। तो देखिए अब बच रहा है अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ टू एक्स, टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से टू दो बाहर आ जाएगा, एक्स एक बाहर आ जाएगा, एक वाई बाहर आ जाएगा, ये आपका आधार हो गया। आधार अभी सिर्फ निकला, अभी प्रश्न सोल्व नहीं हुआ, आधार टू इंटू एक्स इंटू वाई, टू एक्स वाई आपका आधार आ गया। अब तो क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तब आपको पता हो गया कि लंब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्ण आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आधार आपका टू एक्स वाई आ गया। अब क्या करना है, तो पहले निकाला आपको कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार अभी आपका निकल कर आया टू एक्स वाई, कर्ण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन बटा टेन थीटा, टेन थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो देखिए वन बटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा आधार होता है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आधार बटा लम, आधार आपका है कितना आया टू एक्स वाई, और लम आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो हो जाएगा टू एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका फर्म दिख भी नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि दिख भी नहीं रहा है, तो देखिए दिख नहीं रहा है तो उसका उपाय कर देते हैं, यहां दिख रहा है ना, तो देखिए लम और आधार, तो ये आधार नीचे है ऊपर जाएगा तो आधार हो जाएगा बट्टा ये लम, आधार आया टू एक्स वाई बट्टा लम आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं, पूरे यूट्यूब पे नहीं समझा समझा कर आपको पढ़ाता होगा, हम इतने अच्छे तरीके से बताते हैं आपको, हम टाइम, हम आपका टाइम नहीं देख रहे हैं, हम आपको सोच रहे हैं कि आप जब टाइम दे रहे हैं तो हम आपको इस तरह से पढ़ाएं कि आपको एक डॉट ही ना रहे। अगर आप यहाँ भी पढ़ते हैं, एक बार और कहीं पढ़ते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप एक ही बार पढ़िए, क्लियर कीजिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले भले ही हम एक बार में जितना टाइम ले लें आपसे, वो आप देने के लिए बस तैयार रहिए। समझा देते हैं एक बार और, तो देखिए क्या था कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इससे यहाँ से आधार निकाल लिए, आधार निकाल ले तो यहाँ पे समस्या आया हमारा फॉर्मूला यूज करने का, तो हम फॉर्मूला यूज किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको, पहले हम बता चुके हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज किए एक्स एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आधार आ गया। आधार आने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान, साइन की कॉस थीटा वन बटा टेन थीटा का मान हम आपको फाइंड कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर
बटे एन दिया हुआ है और आपसे कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। काफी सिंपल है, आप बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब बटा आधार लिख लीजिए। लंब आपका दिया हुआ है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और आधार आपका एन, लेकिन कॉस थीटा या साइन थीटा निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, तो आप यहाँ से कर्ण निकाल सकते हो, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे लंब आपका दिया हुआ है अंडर रूट, फिर से अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर। आधार आपको कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, रूट से तो स्क्वायर से तो रूट खत्म, तो बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस में प्लस में कट जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर बराबर एम, एम स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते थे ना एम गुने एन, तो एक जाति के रूट में दो बार आता तो एक को हम बाहर निकाल लेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना कैसे निकालें, क्या किए हम, टेन थीटा बराबर दिया हुआ था इतना, तो लंबवत आधार होता है, तो कर्ण हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कर्ण कैसे फाइंड किए आपको हम अच्छे तरीका से बता दिए, हम समझा देते हैं एक बार, हमें संतुष्ट नहीं हो रहा कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, काफ़ी ठंड यहाँ पे है, एक मिनट, काफ़ी ठंड यहाँ पे है तो हमें हिम्मत नहीं कर रहा है कि आपको अच्छे तरीके से बताएं, तो चलिए हम इसको थोड़ा हाथ का कवर कुछ लगा लेते हैं। तो देखिए हम क्या बताएं आपको कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो लंब आपका दिया हुआ है अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, तो लिख दिए उसी तरह से एन का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, एम स्क्वायर तो एक को हम बाहर निकाल लेंगे, हमारा कर्ण आ गया, कर्ण आ गया जो आ गया एम आ गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण, आधार आपका आ गया, आधार आपका है एन, कर्ण आपका आ गया एम, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका है अंडर रूट एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर बटा अंडर कर्ण आपका है एम। यही इसी तरह से आपका 21 नंबर प्रश्न भी होता है इंड, 21 नंबर प्रश्न भी आपका होता है इंड। अब इस टाइप में 22 और 22 में दो प्रश्न है और एक 23 प्रश्न है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास अगर आपको इस टाइप से मतलब कि आपको बोर्ड पे पढ़ना है तो आपको मैंने जरूर कीजिएगा, नहीं तो अगर हम जिस तरह से बता रहे हैं एक पेज पे उस तरह से भी हम आपको बता देंगे, अगर आपको इस बोर्ड पे पढ़ना है एकदम फेस टू फेस तो हम आपको बता देंगे। ऐसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम लाइव आएंगे, तो लाइव में आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत मजा आएगा, जब लाइव हमारा बैच चलने लगेगा तब। YouTube का कुछ रूल है कि जब तक उतना कैटेगरी पार नहीं करते हैं तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए कि जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो और हम आपको लाइव आकर पढ़ाएं। लाइव में इतना मज़ा आएगा, लाइव में ये खूबी होगा कि आप हमसे कुछ डाउट पूछ सकते हैं और हम आपको डाउट का जवाब जरूर देंगे, हम ऐसा नहीं, हम आपको जहाँ पे डाउट रहेगा हम अच्छा से बताएंगे। आप इतना सोच सकते हैं कि जब आपसे हम जुड़े हुए नहीं हैं, आपसे हमसे आप जुड़े नहीं हुए फिर भी हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, जब आप हमसे एक बार जुड़ जाइएगा, आपसे हमसे आप बात कर सकते हैं तो आप जानिएगा कि हम कितने अच्छे तरीके से आपको हम और जो होगा जितना डिस्ट अति होता होगा आपको प्रॉब्लम वो सारा प्रॉब्लम दूर कर देंगे।
तो उतना कैटेगरी आप लोग जल्दी से पार कीजिए, इस क्लास को जल्दी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जल्दी से ग्रो कराइए आप लोग। बस यही, हम आप लोग को क्लास 9, 10, 11, 12 को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आने वाला टाइम में शायद ये बेस्ट चैनल होगा बोर्ड के एग्जाम के तैयारी कराने के लिए, क्योंकि हमारा वैसा नहीं है कि एक बार हम कंप्लीट करा दें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम हर साल न्यू बैच लाएंगे, क्लास 10th का एग्जाम खत्म हुआ फिर न्यू बैच, क्लास 10th का खत्म हुआ न्यू बैच, लेकिन अब हमारा 9th का भी बैच चलेगा। एक्चुअली में 9th का बैच इसलिए नहीं चल पा रहा कि हम सिर्फ अभी इस चैनल पे, इस टीम में हम अकेले हैं, अकेले ना तो हम उतना पे मतलब क्लास आपको करा सकते हैं और ना ही हम वीडियो एडिट कर सकते हैं अकेले, और ना ही आपको हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही करने में टाइम ज़्यादा चल जाएगा। हमें भी तो कुछ आगे करना है, हमें भी तो पढ़ना है, तो हम पढ़ते भी हैं, आप लोग को पढ़ाते भी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस चैनल को ग्रो कराइएगा तो हम आपको अलग अलग टीचर और इस पे लाकर आपको अच्छे से लाभ आपको मिलते रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। हम एक पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं इस क्लास को, मतलब हम आपको पढ़ाने में। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है हॉटपॉट क्लासेस करके, अगर आप सब उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम पिन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं मानता आप नहीं जुड़ सकते, आप यहीं से लाभ ले सकते हैं। अभी जुड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे ना तो कोई पीडीएफ देते हैं और ना ही कोई प्रश्न भी देते हैं, ऐसा इसलिए नहीं तो हमें पीडीएफ बनाने का टाइम होता है और ना ही कोई अलग से प्रश्न बनाने का टाइम होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रो कीजिए ताकि हम अच्छे से पीडीएफ बनाने के लिए किन्हीं को रखें, वो अच्छे से पीडीएफ बनाएंगे तो हम आपको और अच्छे तरीका से क्लास लेंगे। आने वाला टाइम में आपका, आपको हमसे लाभ चाहिए, आपको हमें पढ़ाने का, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें मैथ में तो कोई दिक्कत होगा नहीं अगर हम पढ़ाते हैं तो, जिस टाइप से हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको, हमें तो नहीं लगता होगा कि आपको दिक्कत होता होगा, क्योंकि आपको इस तरह से बता रहे हैं जिस तरह से हमें पता है कि हर मतलब कहाँ पे आप फंसिएगा वहीं पे हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए आपको अगर हमसे और लाभ चाहिए, आप चाहते हैं कि हमें 11th 12th का भी हम आपको पढ़ाएं 11th 12th का भी, तो आप इस चैनल को जल्दी से सपोर्ट कीजिए, अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, ना कि सिर्फ वीडियो देखकर हट जाएं, ऐसा करने से हमारा चैनल नहीं आगे बढ़ पाएगा। आप लोग लाइक कीजिए तो ही उससे हमें मोटिवेशनल मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, हम आपसे लाइव जुड़े। बस यही है हमारा कि हम अगर आप जिस दिन आपसे लाइव जुड़ गए, उस दिन से जिस दिन से अगर हम आपको को लाइव पढ़ाने लगे, उस दिन से ये सारा प्रश्न तो और धुआं धुआं उड़ जाएगा। लाइव पढ़ाने का 2-3 फायदा होगा, एक तो होगा कि आप हमसे बात कर सकते हैं, दूसरा ये होगा कि आप लोग जब तक कहिएगा नहीं जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें होता है 2-3 प्रश्न बताते हैं, आप सोचते हैं कि लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग कोई पसंद नहीं करते हैं लंबा वीडियो, इसीलिए बंद करना पड़ता है। अगर लाइव में जुड़ा रहेंगे तो आप लोग कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा कि छोड़ दीजिए, जब तक तो हमारा क्लास चलते ही रहेगा ना, इससे ये फायदा है। और लाइव में ये फायदा है कि आप एक बार लाइव पढ़ लेंगे फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे तो आपको तो जिंदगी में दिक्कत होगा ही नहीं जो हम आपको पढ़ाएंगे मैथ। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, आपको 21 नंबर तक प्रश्न हम बता दिए, और अगला क्लास में हम प्रश्न पूरा खत्म करके फिर अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। इतना को पहले आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।